अरे करिश्मा, बाहर कितनी ठंड है, अब तो स्वेटर पहन ले। जब से लाई है तब से तूने उसे खोला भी नहीं है। ओहो, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि बाहर बर्फ गिर रही हो। आपको पता है ना कि मैं बेवजह स्वेटर पहनूंगी तो वो घिस जाएगा तो फिर वो फट जाएगा, फट जाएगा तो फिर नया लाने पड़ेगा। नया लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए सॉरी, मैं ऐसे फालतू में पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। बाप रे बाप, ऐसी कंजूसी की भी हद होती है। बाप रे बाप, गैस का बिल 500 रुपये आया, पर कैसे? मैंने तो कितना ध्यान रखा था। अच्छा, तो ये बात है। आज से कोई गर्म पानी से नहीं नहाएगा, सब ठंडे पानी से ही नहाएंगे। माँ माँ हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, देखो ना, गर्म पानी नहीं आ रहा है। हाँ, और अब कभी आएगा भी नहीं। क्या? हाँ, तो अब क्या? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम ठंडे पानी से ही नहाओगे, और दूसरा ऑप्शन, तुम नहाओ ही मत, सिर्फ हाथ मुंह धो लो, इससे साबुन की भी बचत हो जाएगी। अब तुम ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? ये माँ भी ना कब सुधरेगी? हम भी क्रिसमस मना सकते हैं? हाँ मना सकते हैं ना बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? तो अब मैं भी अपनी विश लिखकर सॉक्स में डाल दूंगी ताकि सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी कर सके। अच्छा, तो ये बात है। अरे करिश्मा, तो अकेले अकेले खुश क्यों हो रही है? अरे मैं ना रिद्धि और कुणाल की तरफ से सेंटा क्लॉज से विश मांग रही हूँ। अच्छा, पर क्या? देखो, 5 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 8 तेल के डिब्बे, थोड़े से मसाले और थोड़े से ड्राई फ्रूट। पूरे 1 साल का राशन उगाया मैंने, अगले साल का राशन अगले क्रिसमस पर। क्यों, हूं ना मैं होशियार? पापा, ये मम्मा कब सुधरेगी? पता नहीं बेटा, अब भगवान ही इसे सद्बुद्धि दे। हाय मेरी कमर, एक काम करती हूँ, दवाई ले लेती हूँ। सर, आपका ये मैट्रेस। न्यू मैट्रेस? थैंक यू। सुनिए, हमने अभी साल भर पहले ही तो न्यू मैट्रेस बनवाया और आपने दूसरा भी मंगवा दिया। आप बस यूं ही पैसे बर्बाद करते रहिए। अरे तुझे पता है, ये वेक फिट का ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, वो भी पूरे 10 साल की वारंटी के साथ। हैं? इतने छोटे बॉक्स में? अरे इनकी वैक्यूम कंप्रेसिस पैकेजिंग होती है, चल तुझे दिखाता हूं। पर इसमें खास क्या है? अरे करिश्मा, तेरी कमर में दर्द रहता है ना, तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इसकी फर्स्ट मेमोरी लेयर बॉडी प्रेशर पॉइंट्स के पेन को कम करती है, इसकी सेकेंड लेयर बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट करती है, और इसकी थर्ड लेयर पूरे मैट्रेस को सपोर्ट करती है। अच्छा, पर अगर ये मुझे पसंद नहीं आया तो? अरे इनका 100 नाइट्स का फ्री ट्रायल अवेलेबल होता है, और अगर पसंद नहीं आया तो 100% रिफंड भी हो जाता है। और अगर ये गंदा हो गया तो? अरे इसका कवर वॉशेबल है और बाकी ब्रांड्स के मुकाबले इसका प्राइस भी कम है। अच्छा। अरे वाह, ये तो काफी कंफर्टेबल है, अब तो मैं इसी पर सोऊंगी। हाँ हाँ, इसी पर सोना। 1 2 3 4 5 बेल बची, पक्का कोई मेहमान आया होगा, अब मैं क्या करूं? अरे करिश्मा, दरवाजा खोल। हाँ आ रही हूँ। अरे भाभी कैसे हो? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैं ठीक ही हूँ, आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अगर ऐसे मेहमान आते रहे तो मेरा तो सारा बजट ही खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बस 2 मिनट में आई, तब तक आप बैठिए, ठीक है? अच्छा ठीक है।
पिछली बार ना मैं गंगा के वहां गई थी, तो इस बार मैं शारदा के वहां जाती हूँ। हाँ भाभी, वो 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच चाय की पत्ती चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। अच्छा रुको ना, थोड़ा सा दूध भी चाहिए था, लीजिए। हाँ ठीक है, अभी लाइए। थैंक यू भाभी। चलो, इस महीने का मेरा बजट बिगड़ते बिगड़ते रह गया। पापा? हाँ? मैं सोच रहा हूँ कि इस बार क्रिसमस कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा तू कहे। मैं यहाँ दिन रात एक करके इतनी कंजूसी करती हूँ, और ये लोग पार्टी मनाने के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे पूना, जल्दी कर वरना तेरी माँ जाएगी। हाँ पापा। पापा, पापा, मम्मा आ रही है, जल्दी भागो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अच्छा, तुम मुझसे छिपकर पार्टी करने गए हैं, पर घूम फिर कर आना तो यही पड़ेगा। पापा आज तो मजा आ गया था। हाँ। हम हर बार ऐसे ही क्रिसमस बनाएंगे। हाँ। आ गए आप लोग पार्टी मनाकर, मेरा मतलब है कि पैसे बर्बाद कर कर। मैं दिन रात एक करके कंजूसी करके पैसे बचाती हूँ, और आप वही पैसे पार्टी में उड़ा देते हो। पर माँ। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। रहो तुम सब यहाँ, जब घर की जिम्मेदारी आएगी ना, तब तुम सबकी अकल ठिकाने आएगी कि किस तरह से घर चलाना होता है। रुको, क्या है अब? तुम्हें क्या लगता है, हम पार्टी करने गए थे बाहर? हाँ। मुझे पता ही था कि तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी, इसलिए ये देख। हम तो हर एक त्योहार अच्छे से मना लेते हैं, पर इन लोगों को भी पूछता तक नहीं है। इसलिए हमने थोड़ा खाना इन सब में बांटा, ताकि ये सब भी आज के इस खास दिन को एंजॉय कर सके। अगर ये काम तुझसे पूछते ना, तो तू पक्का मना करते, इसलिए हमने छुपकर तुझसे ये काम किया। करिश्मा, हम हमेशा अपने और अपने परिवार की खुशी चाहते हैं, तो क्या एक दिन हम दूसरों के चेहरे की खुशी नहीं बन सकते? अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आ रही है, तो इसमें बुराई क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और अब से मैं भी कोई बेवजह की कंजूसी नहीं करूंगी। जैसे इन लोगों के चेहरे पर खुशियां है, वैसे ही खुशी मैं आप सबके चेहरे पर भी देखना चाहती हूँ। ये हुई ना बात।